बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका भाई, आपका दोस्त सादत अली खान आपसे मुखातिब है। मेरे भाइयों, आप अक्सर मेरी वीडियोज फेसबुक पे देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है मुझसे करते हैं। मैं अपने तमाम भाइयों का दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मोहब्बत आप मुझे देते हैं, ये आपकी मोहब्बत मेरे ऊपर कर्ज है और इंशाल्लाह इसकी इस कर्ज की एक एक पाई, एक एक कतरा, एक एक रुपया जो है इंशाल्लाह मैं लौटाने की भरपूर कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, मैंने अपनी लाइफ इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। मैंने अपनी लाइफ मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी है। मैंने अपनी लाइफ जो है मेरे भाइयों हक और सच के लिए वक्फ कर दी है। आप मुझे अक्सर देखते हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर वीडियोज बनाता हूं, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज बुलंद करता हूं। डॉक्टर आफिया सदीकी जो अमेरिका की कैद में है, कई साल हो गए अमेरिका की कैद में है, उसके लिए आवाज बुलंद करता हूं। और इसी तरीके से जहां भी मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो, चाहे वो कश्मीर हो, फलस्तीन हो, इराक हो, बर्मा हो, कहीं भी जुल्म और सितम हो, मैं उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद करता हूं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा। अक्सर मेरे दोस्त, मेरे नादान भाई वो कमेंट्स में लिखते हैं कि आवाज बुलंद करने से क्या होता है, रैलियां निकालने से कौन सा कश्मीर आजाद हो जाता है, या नारे लगाने से कौन सी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई मिल जाती है। तो कुछ मेरे भाई जो हैं ये कमेंट्स में लिखते हैं, तो उनको मैं कमेंट्स में जवाब नहीं देता इखलाकन। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, रैलियां निकालने से फर्क पड़ता है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने से फर्क पड़ता है, जाबर के सामने कलमा हक कहने से फर्क पड़ता है। एक साहिल पे जो बहुत बड़ा साहिल था, कई किलोमीटर लंबा एक साहिल था, उस साहिल पे जो है मछलियां जो थी वो साहिल पे पड़ी थी और लाखों की तादाद में मछलियां पड़ी थी और वो तड़प रही थी। आपको पता है कि जो मछली है वो पानी के बगैर नहीं रहती, लेकिन वो मछलियां साहिल पे आ गई लहरों के साथ और वो तड़प रही थी, आखिरी सांसें ले रही थी लाखों मछलियां। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र बामुश्किल 6 या 7 साल होगी, वो छोटा सा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी मुश्किल से एक मछली को उठाता और एक मछली को उठा के बड़ी मुश्किल के साथ उसने दोबारा समुन्द्र में, दरिया में डाल दिया। तो उधर ही से कुछ और दोस्त भी गुजर रहे थे, उन्होंने बच्चे से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये लाखों की तादाद में मछलियां हैं, इनको तुम किस तरीके से पानी में फेंकोगे, तो क्या फर्क पड़ता है, आप इतनी मुश्किल से एक 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 मछली को दरिया में फेंक रहे हो तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो लाखों की तादाद में मछलियां हैं। तो पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, वो बच्चा कहता है कि जो ये एक लाखों में से, लाखों मछलियों में से जो एक मछली मैंने दरिया में डाली है, इसको तो फर्क पड़ गया,
इसको तो फर्क पड़ गया है, बाकी चलो मैं ना डाल सकूं दरिया में, लेकिन इसको तो मैंने लाइफ बख्श दी है, इसको तो मैंने दरिया में डाल दिया है, इसको तो जिंदगी मिल गई है, तो इसको तो फर्क पड़ गया है, इसको तो फर्क पड़ गया है, बाकियों को चाहे फर्क ना पड़े, इसे एक मछली को तो लाइफ मिल गई है, फर्क पड़ गया है, तो इसको फर्क जो है वो पड़ गया है। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो लाखों लोग, हजारों लोग उस वीडियो को सुनते हैं, तो शायद कि किसी एक के दिल में जो है वो मेरी बात उतर जाए, किसी एक के दिल में मेरी स्पीच के जो अल्फाज हैं वो उतर जाएं, तो उससे जो है फर्क पड़ जाए, यही मेरी जिंदगी का मकसद है।